जैन साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार अपडेट के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी सीईटी के जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो विद्यार्थी हैं, उन सबको बहुत ही शुभकामनाएँ हैं। ये एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन लेवल का बहुत ही नज़दीक है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखे हुए हों। इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना है प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी 2024 को लेकर क्या है कि बड़ा बदलाव संभव है। युवा बोले रीट सीटेट की वैधता अवधि आजीवन तो सीईटी की एक साल क्यों, यानी सीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और इसकी डेट जो है वो भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। और ये सूचना आ रही है कि ये आपका जो एग्ज़ाम होगा इसकी जो वैधता होगी वो कितनी होनी चाहिए। कहते हैं कि वैधता एक साल रखेंगे, तो एक साल में क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जो एक साल के अंदर अंदर जारी नहीं हो पाती हैं और वो उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो फिर पुनः सीईटी का आयोजन करना पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि सीईटी की जो वैधता है, जो आपका प्रमाण पत्र होगा 40% वाला, उसकी वैधता लगभग 3 साल होनी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव जो है विद्यार्थी और अन्य सभी लोगों के द्वारा दिया गया है। तो सीईटी की वैधता अवधि 3 साल होगी। चयन बोर्ड ने शुरू किया प्रयास, अन्य परीक्षाओं पर कर पाएंगे फोकस। यानी ऐसा सिस्टम है कि अगर सीईटी हर साल करवाते रहेंगे तो राजस्थान के अंदर सीईटी के अलावा भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम के ऊपर वो कब ध्यान दे पाएंगे। क्या सूचना है, देखो हर साल 2 परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन प्लस 10+2 दो एग्ज़ाम होते हैं और दोनों एग्ज़ामों में लगभग 25 लाख विद्यार्थी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और काफ़ी जो है वो दुख काफ़ी मुश्किल भरा ये सफ़र रहता है एग्ज़ाम करवाने की जो संस्था है उनके ऊपर। सीईटी में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, एक साल वैधता अवधि कम है, एक साल के भीतर इसमें शामिल कोई भर्ती अगर नहीं निकाली तो फिर भर्ती से पहले सीईटी का आयोजन ज़रूरी, यानी कोई एक साल में वैकेंसी नहीं आई तो ये सीईटी का जो आपका प्रमाण पत्र होगा रद्द हो जाएगा और पुनः सीईटी आयोजित करवानी पड़ेगी। इसमें वे सभी अभ्यर्थी बैठेंगे जो पहले भी बैठ चुके थे, यानी हर साल बोर्ड को लाखों अभ्यर्थियों के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करनी होती है। अगर इसकी वैधता अवधि 3 साल या अधिक हो जाती है तो सीईटी की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी और व्यवस्थाओं में बोर्ड के जो संसाधन बच सकते हैं। अच्छा, इसकी जो वैधता है आजीवन कर दें, वैसे रीट की भी आजीवन कर रखी है और अगर इसकी भी आजीवन कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजीवन यानी कभी सीईटी का एग्जाम नहीं होगा, सीईटी का एग्जाम हर साल होगा, सीईटी का एग्जाम हर साल होगा। अगर मान लीजिए मैंने इस साल 2024 में सीईटी का एग्ज़ाम दिया और मेरे 40% जो है वो अंक सीईटी में बन गए, तो अब मुझे सीईटी एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी मैं इनमें से हट चुका हूँ। अभी जो एग्ज़ाम लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 13 लाख फॉर्म तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर भरे हैं, सीईटी जो आपकी स्नातक हैं इसके अंदर 13 लाख विद्यार्थी हैं, और आज की सूचना देखें तो 9.5 लाख जो फार्म है वो आपके 10+2 में आए, सीईटी 10+2 में आए, यानी लगभग 23 लाख विद्यार्थी है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। मान लीजिए अगर इसमें से 15 लाख विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देते हैं, 15 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं और इनमें से मानकर चलिए 3.5 लाख विद्यार्थी का जो है वो पात्रता इसमें 40% अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो ये 3.5 लाख जो विद्यार्थी ये यहाँ से हट जाएंगे और हर साल नए विद्यार्थी आकर इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और वो इसका पेपर देंगे। क्या कहा गया, ऐसे बढ़ती इस परीक्षा में संख्या। सीईटी 2022 12वीं लेवल में 16,33,232 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, सीईटी 2024 में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से सीईटी 2022 स्नातक में 11,27,659 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, इस बार सीईटी 2024 में आवेदन की संख्या बढ़कर 13 लाख हो गई। अगर ऐसे ही हाल रहे और वैधता अवधि एक साल की रही तो हर बार आवेदनों की संख्या बढ़ती हुई जाएगी, अभी 23 लाख है, आने वाले समय में 26 लाख हो जाएगी। सीईटी की वैधता अवधि एक साल बहुत कम है, इससे युवाओं को परेशानी होती है, उन्होंने हमसे इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की, यानी हम विद्यार्थियों ने इनके पक्ष में रखा है कि वैधता बढ़ाई जाए और वैधता अवधि बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि युवाओं को राहत मिले, आलोक राज का कहना है, तो ये वैधता बढ़ाई जाएगी इसमें। वैसे सीईटी के अंदर मैं तो यही मानता हूँ कि इसकी वैधता आजीवन कर देनी चाहिए। बार बार क्या सीईटी का एग्जाम देना है, रीट का क्या, जो विद्यार्थी पिछली बार रीट का एग्जाम दिए थे और परी के अंदर उनके जो है 85 नंबर आ गए थे, बात करें अपन 90% जो अंक हम हासिल करने होते हैं वो उनके हो चुके थे,
तो वहां पर 82.5 अंक लाने वाला अब पात्रता देने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट मेंस की एग्जाम की तैयारी करेगा। मेरे पात्रता क्लियर नहीं थी तो मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो वापस रीटी की पात्रता एग्जाम है वो देंगे। तो कहने का मतलब है सीटी जो है वो आपकी वैधता 3 साल की होने वाली है। ये जानकारी आप सभी के सामने देने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।